जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 200 में से 199 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां 5.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल सकेंगे। तो बता दें, जानकारी के मुताबिक 199 सीटों पर 1862 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 5.25 करोड़ है। 18 से 30 साल के 1.71 करोड़ युवा मतदाता हैं। मतदान शनिवार सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन इसी बीच ये भी जान लीजिए कि राजस्थान चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, जो इस बार चुनावी प्रचार में खूब सुनाई दिए। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, इसके साथ ही किसान, महिला सुरक्षा, पेपर लीक मामला भी खूब गर्माया। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर भी ये वो मुद्दे हैं जो इस बार के राजस्थान के चुनाव में गूंजते नजर आए हैं। और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द इस वक्त राजस्थान की राजनीति घूम रही है, और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। और चलिए अब नजर उन दिग्गज नेताओं पर जिनके कंधों पर जीत का दारोमदार है। कौन है बीजेपी के दिग्गज? वसुंधरा राजे, इसके साथ ही सतीश पुनिया, एक बड़ा चेहरा बीजेपी का, और इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। सतीश पुनिया, वसुंधरा राजे के साथ साथ राजेंद्र राठौर भी बीजेपी के दिग्गजों में शामिल हैं, जो राजस्थान में बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सीपी जोशी, इसके साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर भी, जो राजस्थान में बीजेपी की कमान चुनावी प्रचार में लगातार संभाले नजर आए। और देखिए, ये तो हैं मैदान में बीजेपी के दिग्गज, लेकिन राजस्थान के मैदान में, चुनावी मैदान में कांग्रेस के कौन से दिग्गज हैं वो भी आपको बताते हैं। अशोक गहलोत फिलहाल मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, एक बड़ा चेहरा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ है मैदान में। सचिन पायलट, ये नाम भी देखिए लगातार चर्चा में रहा, और इस बार क्या कुछ चर्चा होंगी इस नाम को लेकर, किस तरह का मुकाबला को देखना होगा। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद राम मेघवाल और वी डी कल्ला, ये कुछ नाम हैं जो कि कांग्रेस के दिग्गजों में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा